ये रात की क्लिप है। यहाँ पर मम्मी बेसन के लड्डू बना रही थी जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी था और यहाँ पर मैं एंजॉय कर। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो सो मच फॉर कमिंग बैक। दिस जस्ट मींस अ लॉट टू मी। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज ये रक्षाबंधन व्लॉग होने वाला है। अभी के लिए फिलहाल मैं जा रही हूँ वर्कआउट करने के लिए, उसके बाद फिर अपना डे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको आगे आगे दिखाती हूँ क्या होने वाला है। और बिकॉज ये रक्षाबंधन में तुम्हारे घर पर बहुत सारे लोग आने वाले हैं और हमें भी कहीं कहीं जाना है, सो वी आर सुपर डुपर एक्साइटेड। एंड डे बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है। एंड कल रात मैंने बाल में ऑयलिंग की हुई थी क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से ऑयलिंग नहीं की है। सो ये फटाक से पहले वर्कआउट करते हैं, फिर कोई और काम। गाइस नाउ आई एम डन विद वर्कआउट और मैं जा रही हूँ मम्मी को थोड़ा सा किचन में हेल्प करने के लिए। उसके बाद मैं फटाक से नहा धो के फिर हमारे नाव को राखी बांध के फिर हम लोग निकलेंगे। सो ये चलिए फटाक से चलते किचन में। सो मैंने यहाँ पे मम्मी के कपड़े खुशी के मेरे सबके कपड़े निकाल के रख दिए, मेकअप भी रख दिया है और अभी ज्वेलरी रख देती हूँ ताकि फटाक से हम लोग रेडी हो जाएं। और यहाँ पे मेरे सोनू मामा आते हुए, अभी उनको पानी वानी भी नहीं पिलाया हम लोगों ने, पानी देते और खुशी एज यूजुअल अपना। बाकी तो मेरा तो सारा काम हो गया, मुझे बस नहाने जाना है। अमन निकले और फिर मैं फटाक से नहाने जाऊँ और उसके बाद मैं थोड़ा सा तैयार होकर, मेरा मैक्स टू मैक्स टाइम है कि मैं 10 o'clock तक कैसे भी करके राखी बांध लूँ, बट आई थिंक नहीं हो पाएगा। लेट्स सी। मम्मी के लिए यहाँ पे थाली डेकोरेट करके रख दी है और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है तो मैंने सोचा फटाक से नहा के राखी बांध के पानी पी लेती हूँ, बिकॉज अगर जल्दी का मूड रहता तो मैं कोशिश करती हूँ मैं पानी ना पीऊँ, बिना पानी पिए राखी बांध दूँ। गाइस मैंने राखी बांध ली है अभी अमन को, हीरेश को आने में आज बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। आज वो आएगा उसके पहले कुटाई करूंगी, उसके बाद उसको राखी बांधूंगी। और फिलहाल वहाँ से खुशी आ रही है, उसको मुझे ब्रेसलेट पहनाना है, उसको ब्रेसलेट बहुत पसंद है तो मैंने उसके लिए लेकर आई थी। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे, इट्स अ सूट राखी के बर्थडे को एंड इट्स अ सूट व्हिच इज़ गिफ्टेड टू मी, सो मैंने इस बार स्टिच कराया था। इट्स लुकिंग वेरी प्रीटी। सो यार फटाक से मैं ये सब करके खुशी को ब्रेसलेट पहना के फिर कुछ तैयार हो जाते हैं। सैंडविच बनाया, मैं ये खा लेती हूँ, बहुत लेट हो रहा है। सो यार गाइस आई एम डन विद मेकअप एंड दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे, इट्स अ सूट व्हिच इज गिफ्टेड टू मी बाय सम ऑफ माय फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे खुशी बना रही है अपना बूमरैंग, दैट्स व्हाई वो मुझे बोलने भी नहीं दे रही है। तो फटाक से हम लोग निकलते हैं, काफ़ी लेट हो रहा है एंड फिर मामा एंड ऑल सब आने वाले हैं तो हम लोग को उसके पहले घर भी आ जाना है। सो यार आपको मिलती हूँ मैं थोड़े से टाइम के बाद। ऑटो आइए रोक ले, हाथ दिखाओ तो नहीं मार रहे। सभी हम लोग का वेट कर रहे हैं, लेफ्ट आए फिर हम लोग ऊपर जाते हैं और यहाँ पे राखी बांध के फिर एक और जगह जाना है। अभी देखा था ना व्लॉग में आया था तू, नहीं देखा तूने व्लॉग? अकाउंट बैन नहीं होगा, मैं देखा तभी फाइनली हम लोग जा रहे हैं राखी बांधने के लिए और इसको बहुत चिड़चिड़े है ये, मैं भाई के नाम का बना रहा है तेरा, यही डालूंगी गया। भैया मेरे राखी के बंधन को मत नहीं बांधो, भैया
मोमेंट सर जो हमारे चाची के घर पे थे, तो ये मामा एंड और घर पे आए हुए थे, ये मोमेंट हमने मिस कर दिया। ये आंटी पापा को राखी। टीवी पे जरा दिखाओ, नहीं जरा दिखाओ ना, ये मेरा छोटा भाई है, इसका मुंह देखो दिखा दो। सभी हम लोग जा रहे हैं दूसरी चाची के घर पे, हमारी दो चाची हैं, एक चाची के घर से खा पी के निकले, दूसरे के यहाँ पे सामान लेने। टाइट एंड टायर्ड ना, आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, ये पता नहीं बस ट्रैफिक है एंड गाड़ियों की बहुत ज़्यादा आवाज़ है। मम्मी पापा दोनों का इतना फ़ोन आ रहा है, जल्दी आओ, बट यार कहीं पे आते इतना जल्दी नहीं हो पाता है, इट्स अ फैक्ट। सो अभी पहुँचने वाले हैं, पहुँच के फिर मैं आप सबसे वहाँ मिलती हूँ और वहाँ पे चाची एनॉल से मिलाती हूँ। आज मेरे दोनों भी चाचा हैं नहीं, बुआ से राखी बनवाने के लिए गए हैं सब लोग। सो अभी मैं 7th फ्लोर तक पूरा चढ़ कर आई हूँ और इतनी इन थकानों के नीचे बैठे हुए हैं। चलो लेट्स डू दिस। आई थिंक खुशी पहुँच गई क्या? आर्यन बोलता है इस बार मैं भी अमन भैया जैसे ही बाल रखूंगा। मम्मी का पता नहीं, पापा जरूर धुलेंगे। मम्मी तो सब सब चीज के लिए साथ लेती है, पापा भी थोड़ा पापा धुलेंगे, पापा बाल नोच नोच नहीं, पापा भी इसको बोलते हैं। मिठाई खा के मिठाई दे दो, नहीं खा लिया पूरा दो एप्पल। एप्पल कब खाया? मिठाई खा खा के मिठाई हो गया। अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे मेरा भाई है, अपने बाप को पार्टी दिखा रहा है, बोलता मेरा पार्टी दे दो। वो पीछे हमारा पूरा सामान रखा हुआ है, नाउ वी आर गोइंग बैक होम। पहले हम ये गोल मंडी भैया को छोड़ेंगे, उसके बाद हम लोग घर निकलेंगे फटाक से। बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, बिट्टू नौ मिठाई लेकर आए हैं, घर पे आए हैं, ज्वेलरी निकाली है और ये बिट्टू नामा मिठाई लेके आए हैं। क्या मिठाई है यार, मैंने डाइट तोड़ के खाली, बहुत टेस्टी है। तो अगर बिट्टू नामा ये व्लॉग देख रहा था, बहुत ही अच्छी मिठाई है। वो घर पे आ चुके थे और मैंने आपको जैसे दिखाया था कि मैं पूरा झुमका एंड ऑल निकाल के एकदम से वो गई थी कि मैं एक ड्रेस ऑल चेंज कर लूँगी, बट फिर मुझे पता चला कि आंटी कब से आई हुई थी हम लोगों के लिए, बहुत लंबा वेट किया आंटी ने। एंड आंटी को हम लोग टू बी ऑनेस्ट अपनी मम्मी मानते हैं, लिटरली अपनी मम्मी मानते हैं, आंटी अंकल सब हाँ हम लोग की मम्मी जैसी हैं वो। इतना हमारा वेट की दमी वाला है कि तो आंटी हम लोग को लुम्बा बांधती नहीं थी, बट मेरे को बहुत अच्छा लगता है लुम्बा देख के। तो मैंने आंटी से पर्सनली रिक्वेस्ट की थी कि आंटी आप हम लोग को प्लीज़ बांधा करो, तो आंटी बोला हाँ वो तो बांधते ही हैं, अगर भाभी को बांधते हैं तो उनके लड़कियों को भी बांधते हैं। तो मैंने कहा ठीक है आप चलो मुझे बांधा करो, तो आंटी रख के चली गई, बांधती ही नहीं, और मुझे हर साल बांधती हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आंटी के घर पर उनसे बंधवाने के लिए। सच्ची बताना बहुत अच्छा था ना, पहला टीका मुझे लगा, नहीं तो मैं काला लाइनर लगा के घूम रही थी। खुशी ने पार्टी दी है, वो भी खुशी ने पहली बार जिंदगी में लड़की ने किसी को पार्टी दी है। एक बाइट तो मेरे को देगा ना, इसको भी खा, ये देखो ये आंटी ने मेरे लिए सेवई लाई है, मैं इसको खा लेती हूँ। वैसे तो मेरी खीर फेवरेट है, बट आंटी बनाई है तो मैं कुछ भी खा लूँ। चल आ जा बहन, चल दो पीस तेरा, दो पीस मेरा, मजे करेंगे। जस्ट क्लोदन ऑल चेंज कर लिया, काफ़ी बेटर लगता है यार घर के कपड़े पहन लो तो। एंड स्किन केयर मैंने प्रॉपरली कर लिया, मेकअप रिमूव करके, बिकॉज आई एम सो मच टायर्ड, आई कैन नॉट इवन टेल यू गाइज, बहुत वॉक करना पड़ा। आज हम लोग करने वाले हैं अपना चीट डे, बिकॉज हम लोग ने मॉर्निंग से बहुत ज़्यादा खाया हुआ था। एंड फिर अमन वॉज लाइक ठीक है चलो रक्षाबंधन के नाम पर हम सब खाते हैं, तो यहाँ पर मैंने रसगुल्ला लिया है, मैं पूरा तो नहीं खाऊंगी, एक खाऊंगी, इट्स सो टेस्टी, लाइक सो लॉन्ग आई एम हैविंग दिस।
गाइज आई एम चेकिंग आउट आफ्टर 2 आवर्स स्ट्रेट और यहाँ पे मैंने सारा किचन क्लीनिंग एंड ऑल करके उसके बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। और यहाँ पे हमारा सारा पार्सल फूड आ चुका है जो कि है ट्रिपल सेजवान फ्राइड राइस एंड माय पापा का पनीर बिरयानी। तो ट्रिपल सेजवान फ्राइड राइस में बहुत सारी सेव मिलती है तो मैं उसको डाल के ऐसे चाइनीज़ बिल बना ली हूँ। एंड चलिए अभी इसको इन्जॉय करते बिकॉज काफ़ी टाइम हो चुका है हमने चाइनीज़ बिल नहीं खाया। सो ये एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, लाइक अ यूज़ है जो हम लोग कर लेते हैं। सो या गाइस मेरा खा पी के सब कुछ हो चुका है तो ये सबसे अच्छा सरप्राइज़ था जो हमने हम लोगों को दिया बिकॉज हम लोग 2 मंथ से डाइट पे हैं एंड हम बिल्कुल भी चीट नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं। मैं तो चलो खा पी भी लेती हूँ बहुत बार, ऐसे लेट गो करती हूँ, बट अमन खुश तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। सो फाइनली आज अमन ने जब बोला कि हम लोग कुछ खाते हैं बाहर से तो वी वर सो एक्साइटेड एंड फाइनली वी हैड समथिंग आफ्टर सो लॉन्ग। सो या इसी के साथ ये वीडियो का मैं यही पैन करती हूँ। आई डोंट नो कि व्लॉग कैसे शूट हुआ होगा बिकॉज मैंने बहुत कम शूट किया है क्योंकि मैं लाइक बहुत ज़्यादा टायर्ड भी फील कर रही थी एंड दूसरी बात हम लोग मोमेंट को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे जब सब लोग खुद में कैमरा नहीं उठाना चाहती थी। सो इसके साथ मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। सो विद दिस आई कंप्लीट टुडेज़ व्लॉग, आई होप यू ऑल लाइक इट। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज गोइंग बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड ऑल्सो आई विल मीट यू विद अ न्यू व्लॉग। टिल द टाइम टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, बाय। फाइनली आज मैं व्लॉग का एंडिंग करना बिल्कुल भी नहीं, बाय।